कश्मीर ग्राउंड के सभी नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं शाह मेहरवानी और इस वक्त मेरे साथ साइमा शफ़ी हैं और ये एक बहुत ही पॉपुलर पॉटर हैं और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता इनके बारे में क्योंकि इनको मेरे से बहुत ज़्यादा पता होगा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। तो साइमा, पहले आप अगर हमें बताएंगी कि क्या खासियत है आप पे, क्यों आपको कश्मीर की क्रालकूर कहा जाता है? खासियत हर किसी इंसान में होती है। अब स्पेशलाइजेशन आई एम डूइंग पॉटरी क्राल क्रोम चस्ब करण, इसीलिए मुझे क्रालकूर कहा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये तो एक अचीवमेंट मैं बोलूँगी कि इस सेगमेंट में ये एक आर्ट, एक ऐसा आर्ट है जो कश्मीर के आर्टिस्ट रेनाउंड फ्रॉम दिस क्लास ओनली, तो इसीलिए मुझे क्रालकूर कहते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, साइमा एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, लेकिन बाय पैशन एक पॉटर है। तो कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ ये सब काम, कहते क्राल तो कहते इंजीनियरिंग, है ना, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कैसे आप लैंड हुई इस जगह पर? इंजीनियरिंग तो मैं एवरी टाइम आई से एक रैट रेस जब लगते हैं तो तब हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट था, इवन अभी भी आई डोंट नो व्हाई इट इज़, कि या तो इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है। तो आई वॉज़ नॉट गुड एट साइंस, सो आई वॉज़ गुड एट मैथ्स काइंड ऑफ, बायोलॉजी में इतनी अच्छी नहीं थी, सो दैट्स व्हाई आई बिकेम एन इंजीनियर। एंड बट जो आर्टिस्ट थी मैं, वो बचपन से थी, सो जो आर्टिस्ट का सोल होता ना, वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होता जब तक वो सच में आर्टिस्ट आर्ट के साथ ना जुड़े। सो आई लैंडेड अप इन पॉटरी वाइल सर्चिंग फॉर माई सेल्फ, सो विद पॉटरी बचपन से था, बट फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल लर्न इट एंड आई विल टेक इट फॉरवर्ड इन कश्मीर। तो अगर अब हम आपकी फैमिली के बारे में बात करें, कश्मीर में इट्स रियली नॉर्मल कि कुछ भी आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो लोग आपको टोकेंगे ही टोकेंगे, फैमिली रिलेटिव्स, उनको 100 बातें करनी ही करनी है। तो कैसे आपने इस चीज़ को हैंडल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, एक आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, वो उतने इंटरफेयरिंग नहीं है, बिकॉज आई विल से इंटरफेयरिंग बिकॉज फैमिलीज यहाँ पे हर किसी के, जब आप जो भी आप करना चाहते हैं उसमें बार बार टोके तो उसको इंटरफेरेंस ही कहा जाता है। हर किसी की एक पर्सनल स्पेस है, इस दुनिया में हर कोई अपनी एक स्पेस लेके आया हुआ है, तो कोई किसी पे एहसान नहीं करता है। वी आर ऑल कनेक्टेड एंड वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो भाई आर्टिस्ट तो मेरी माँ थी एक्चुअली, बट वहाँ पे उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था, बट स्टिल शी हैज़ डन वंडर्स और मुझे ये जीन्स उसी से मिले हैं, तो शी वॉज सपोर्टिव ऑल द टाइम। इनफैक्ट मेरी जो इसमें स्टूडियो में इन्वेस्टमेंट वगैरह है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर, दो आई एम अर्निंग बट माँ ने मुझे कॉन्ट्रीब्यूट किया, एंड इसलिए उनसे नहीं, माई फादर ऑल्सो से वॉज लाइक मैं पॉटरी करनी है तो करो, नो इशूज़। इवन बचपन में जब मैं आर्ट का कोई भी काम करती थी, जो मेरे कलर पेंसिल्स या कलर्स लाने पड़ते थे, चार्ट पेपर्स या एम्ब्रॉयडरी में करती थी, आई मेक कैंडल्स, आई डू क्रोशे, आई डू सो मेनी थिंग्स, तो ये सब का मटीरियल तब मेरी पेरेंट्स ही मेरे लिए लेके आते थे। इवन समटाइम्स आई यूज़ टू आस्क माई ब्रदर, ये लेके आना दुकान से, तो इट इज़ अ सपोर्ट, राइट। लेकिन हाँ, वेन एवर यू डू समथिंग न्यू बींग अ फीमेल, तो रोक टोक तो आती है, बट इट इज़ योर मेंटल टफनेस, हाउ यू टेक इट। सो आई जस्ट टुक इट लाइक ठीक है, इट्स अ चैलेंज, एंड जब आपको चैलेंज होता है ना, तभी आप सक्सीड, तभी आपको सक्सेस में वो मज़ा आता है। सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर हम जानना चाहें कि आपने कब ये स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट नॉर्मल कि बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं और आप भी लाइक एक लड़की की तौर पर आप भी एक इसमें शामिल हो गए, तो कब और कहाँ आपने ये स्टार्ट किया? टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2016 मैंने ये आर्ट बैंगलोर में सीखा है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आई वेंट टू बैंगलोर एंड देन इन 2018, 19, ये पिछला, एक्चुअली अब तो साल भी नहीं याद रहते हैं, बिकॉज ये साल भी कोरोना के साथ, पिछला साल कुछ और शटडाउन के साथ, सो फाइनली लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था क्रालकूर, बट फिर ऑल वॉज शट एंड सब ये हो गया, फिर इस बार कोरोना था, तो फाइनली कुछ एक दो महीने से आई स्टार्टेड बैक, एंड yeah it's like that, I can say from 2020 I have started। तो जैसा कि आपको पता ही है कि लोग 100 बातें बनाते हैं, being a क्राल ये कुछ बहुत ही ज़्यादा normal नहीं है, तो किस तरीके से आप उन लोगों के comments को भी लेती हैं, criticism भी लेती हैं और फिर अपना काम भी continue करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा pressure रहता है इंसान पे, तो
कैसे आप इस सब को संभालती हैं? प्रेशर हर किसी काम में रहता है, इट्स नॉट ओनली इन क्राल, बट हाँ, चूजिंग अ डिफरेंट फील्ड इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, बट मुझे जो रिस्पॉन्स मिला दैट वॉज रियली अमेजिंग. मैं खुद सरप्राइज हो गई, और पर्टिकुलरली आपके फ्रेंड्स कुलीग्स, दे आर रियली माई फ्रेंड्स, माई कुलीग्स, दे आर रियली सपोर्टिंग. मतलब मेरा बहुत छोटा सोशल सर्कल है. सोशल मीडिया फैंस के लिए भी थैंक्स, बिकॉज मुझे कहीं पे क्रिटिसिज्म नहीं मिला टू माय सरप्राइज, एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड मी फॉर दिस, एंड आई गेट लॉट ऑफ विशेज एंड लॉट ऑफ लव, जो कि मैं मतलब आई एम रियली यू नो हैप्पी टू हैव दिस नेम क्रालकूर. एंड इस सेक्टर में मे बी शायद इसको रिवाइवल की ज़रूरत थी, तो एक ये होप बन के आया, इसीलिए मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला. एंड पीपल नो दिस इज़ आर हेरिटेज, तो इसको अगर हमारे हेरिटेज को कोई भी, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता होगा, उसको रिवाइव करने की कोशिश करे, तो उसको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा बींग अ कश्मीरी. सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट रिस्पॉन्स. तो अब हम एंड करते हैं इस कन्वर्सेशन को, और फाइनली अगर आपका कोई मैसेज होगा उस यूथ के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है, या फिर आपका जो ये फील्ड है क्राल के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अब डिसइंटरेस्ट हो गए हैं जो पहले इसके साथ थे, लेकिन अब उनको लगता है कि इसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, कोई क्रिस्प नहीं रहा है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? क्रिस्प इसलिए नहीं रहा है बिकॉज उनको लगता है कि इसमें क्या ही बचा है, क्या फेम है, क्या रिस्पेक्ट है. सो उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इट हैज़ ग्लोबल रिस्पेक्ट, एंड जैसा मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि पॉटरी इज़ ऑलरेडी एट इंटरनेशनल लेवल, एंड पॉटरी इज़ द हेरिटेज ऑफ कश्मीर. बस सिर्फ ज़रूरत है इन दो लिंक्स को कनेक्ट करने की, जो कनेक्टिंग लिंक आई एम ट्राइंग टू बी, एंड आई एम ट्राइंग टू एवरीवन गेट इनटू इट, और ये लिंक कनेक्ट हो जाए ताकि हमारी कश्मीरी हेरिटेज पॉटरी एक इंटरनेशनल लेवल पे ये हो जाए कि ये इस टाइप की पॉटरी यहाँ की जाती है, विच इज़ ऑलरेडी देयर, बट इट नीड्स टू यू नो गेट मोर एक्सपोजर, मोर वायरल, जिसको आज की लैंग्वेज में हम कहते हैं. एंड जो यूथ है उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टिक टू वॉट यू वॉन्ट टू डू. मतलब अप्स एंड डाउन्स है, वो आते रहेंगे, आपको वो फेरने हैं. इवन यू वॉन्ट टू गिव अप, दैट इज़ नॉर्मल, बट जस्ट बी फोकस्ड एंड नेवर गिव अप. सो माई मैसेज टू ऑल, जस्ट स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड फॉलो क्रालकूर ऑन इंस्टाग्राम. शाह शूज गैलरी, दोदरा मान नजदीक कमरिया चौक, गांधरबल. हमारे यहाँ हर किस्म के जूते चप्पले मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब है. मर्द ख्वातीन और बच्चों के लिए हमारे यहाँ हर किस्म के जूते चप्पले मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब है. याद रखिए और तशरीफ ले आइए शाह शूज हाउस, दोदरा अमान नजदीक कमरिया चौक, गांधरबल. राब्ते के लिए डायल करें 7006280880, 9622592353. अल अदल टूर एंड ट्रेवल्स, दुदरहमा गांधरबल. हमारे यहाँ एयर टिकटिंग, रेलवे रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन फेयर्स, पासपोर्ट फैसिलिटी, पैन कार्ड फैसिलिटी, वीज़ा सर्विस के लिए आप हमारे यहाँ तशरीफ ला सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इशफाक बशीर शाह, मैं गांधरबल का रहने वाला हूँ. हमने यहाँ पे ऑफिस अलग टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पे छोड़ा है. यहाँ पर एयर टिकटिंग, रेलवे रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ऑफलाइन फेयर्स और साथ में पासपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं. हम गांधरबल की आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप अलग टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस में तशरीफ लाइए और सहूलियतों का फ़ायदा उठाइए. हमारा पता है अल अदल टूर एंड ट्रेवल्स, दुदरहमा नज़दीक कमरिया चौक, गांधरबल. रबते के लिए आप डायल कर सकते हैं 9596065552, 9797756652. याद रखिए और तशरीफ लाइए अल अदल टूर एंड ट्रेवल्स, दुदरहमा गांधरबल. मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक, तुहंदिस प्रत कदमस पेट तुहंद हम सफर. कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनलीतन या तूफान, महफूज रूजिव तुह
मुफ्त तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनन कश्मीर टर्बो टीएमटी सर्य ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।